ये जो कार है फोर्ड फीगो है, जैसा कि देख सकते हैं इसके डैशबोर्ड में सारी लाइटें आ रही है, इमोबिलाइजर, चेक इंजन लाइट सब कुछ ओके इसके अंदर, ठीक है, लाइट वगैरह आ रही है, बट इंजन घूम रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है। जब भी कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो सबसे पहले जो है ना चेक करने का रहता है इसके डैशबोर्ड में कौन सी लाइट आ रही है कि नहीं, इससे भी पता चल जाता है अपने को कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, मतलब कुछ तो हेल्प हो जाता है यहाँ से भी। तो इसको स्कैनिंग करते देखते पहले इसमें क्या DTC क्या ट्रबल कोड आ रहा है, तो क्योंकि इमोबिलाइजर वगैरह कुछ इशू है नहीं, इसके अंदर चेक लाइट भी आ रही है, अगर चेक लाइट नहीं आती तो पहले फ्यूज चेक करें, इमोबिलाइजर का प्रॉब्लम अगर लाइट ब्लिंक करी तो पता ही चल जाता है क्या है क्या नहीं है। तो इसको स्कैनिंग करते देखते क्या दिखा रहा है पहले, इसके आगे फिर स्टेप, भाई ने शायद पहले इसको चेक किया है, देखते जो भी है, अभी गाड़ी जो है फोर्ड फीगो है, व्हीकल फीगो, ये सब देख सकते इसमें दिखा रहा है, फेस्टा ये सब दिखा रहा है इन डिटेल्स। इसमें आप हेल्थ रिपोर्ट भी चेक कर सकते हो, सिस्टम सिलेक्शन में जा सकते हो, जो भी आप चॉइस करो। तो इसमें जो DTC इसके अंदर जो DTC दिखा रहा है ये, ठीक है, PCM पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल CPC सर्किट मॉडल फंक्शन CPS क्रैंक शॉफ्ट पोजीशन सेंसर का भी बता रहा है इसके अंदर, फ्यूल प्रेशर कंट्रोल उसका भी दिखा रहा है, ठीक है। और इसको क्लियर करके देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि इसमें ज़्यादा सेल्फ मारने से भी कुछ DTC आ जाती है इसके अंदर, बहुत बार ऐसा होता है, क्लियर करके फिर से सेल्फ मार के देखना पड़ेगा क्या बता रहा है। देख लेते हैं अभी, इसमें फ्यूल प्रेशर का दिखा रहा है, PCM पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल सप्लाई वायरिंग का बता रहा है ये, ठीक है, ये जो दो कोड है वायरिंग के एक फ्यूल प्रेशर का बता रहा है इसके अंदर, यानी हो सकता है ज़्यादा सेल्फ मारो इसके लिए भी आ रहा हो, या शायद इसकी वायर निकालेगा भाई, इसके IME वाल का वायर निकला हुआ है क्या, देखो और वापस से मारने बोलो, बंद करके फिर मारो, इसको वापस रिटर्न एक बार स्कैनिंग कर लेते, क्योंकि ये जो इसका क्या कहते हैं करंट आ रहा है छोड़ रहा है इसके अंदर, एक बार जैसा कि देखा आपने अभी एक ही बार इसके अंदर करंट आ रहा है, ठीक है, इसका जो पंप है इसके अंदर एक ही बार करंट आ रहा है, तो देखते वापस से स्कैनिंग करके अभी क्या बता रहा है। उसका वायर भी निकला हुआ था पहले, अभी लगा दिए, क्योंकि ऑलरेडी एक दो जन ने इसको चेक किया है पहले, स्टार्ट नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या क्या किया। देखते हैं अभी क्या बता रहा है इसके अंदर, सिस्टम सिलेक्शन देख लेते एक बार, हेल्थ रिपोर्ट में क्या आ रहा है कि क्या नहीं आ रहा है।
कौन सा एजेंसी है क्या, देखते रुको, थोड़ा लंबा मारना पड़ेगा जब आएगा। कहाँ है, इंजन जो ट्रबल कोड आ रहा है, जैसा कि देख सकते हो अभी सिर्फ वायरिंग है, तो ये इंजन कंट्रोल मॉड्यूल का भी हो सकता है, बट इसके अंदर वायरिंग का प्रॉब्लम लग रहा है। और जो पावर उसका आ रहा था, क्या कहते हैं, फ्यूल प्रेशर का, वो अब नहीं आ रहा। इसका वायरिंग एक बार देखते हैं, नहीं तो वापस से इसको सेल्फ मार के चेक करते, ठीक है, वायरिंग देखना पड़ेगा। तो जैसा कि देख सकते ये इसका क्या कहते हैं क्रैंक सेंसर है, किसी ने इसको रिप्लेस किया हुआ, मेरे से पहले गाड़ी किसी ने चेक किया था, तो भी मैंने इसका प्लेट खोलने बोला, तो ये प्लेट खोल के हम लोगों ने जब देखा तो इसका प्लेट ख़राब हो चुका है, ठीक है। जो क्रैंकिंग करता है इसको, सेंसर को जो सेंस करता है, ये जो इसके मैग्नेट्स है, ये देखो ये प्लेट जो है पूरे कट गए, ठीक है, इसकी वजह से करंट एक बार आता है छोड़ दे रहा है। क्योंकि इसके अंदर जब मैंने भी फर्स्ट टाइम, अभी आपने देखा वीडियो में, जब फर्स्ट टाइम स्कैनिंग किया तो ये उसका ही बता रहा था, क्रैंक सेंसर का दिखा रहा था, ठीक है, जब लंबा सेल्फ मारेंगे तो इसका ही आएगा, ठीक है। तो ये इसका प्रॉब्लम है, ये रिंग डालने से भी, मतलब ये रिंग ख़राब होता है तो भी इसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है, एयर रिंग डालेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि क्रैंकिंग को यही क्रैंक करता है, मतलब ये सेंस करता है क्रैंक सेंसर के लिए, इसमें इसका फॉल्ट है। और ये जो प्लेट है सेंसर की, ये तो अभी अवेलेबल है नहीं, ये तो मंगाना पड़ेगा, ठीक है, बट 99% इसका ही प्रॉब्लम है, प्लेट डालने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि पहले भी किसी ने स्कैनिंग किया था तो क्रैंक सेंसर का ही बता रहा था CPS का, और मैंने भी जब फर्स्ट टाइम किया तो उसका ही बता रहा था, ठीक है। और जो दूसरा DTC आ रहा है वो कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा सेल्फ मारने की वजह से आता है, एक बार गाड़ी स्टार्ट होने के बाद फिर वापस से नहीं आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि DTC छोड़ के कुछ थोड़ा मैनुअल भी चेक करना पड़ता है, जैसे मैंने करंट वगैरह चेक किया, ऐसा भी देखना पड़ता है करंट छोड़ रहा है कि क्या हो क्या रहा है इसके अंदर, ऐसा भी चेक कर सकते हो।